अब आप शमशान घाट और कब्रिस्तान ये भी ना अंबानी और अडानी के हाथ में कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता वहीं जा रही है। तो आप ये समझिए कि प्रशासन जो है दिल्ली में दुकानें ऐसे बंद करा रहा है कि जैसे दुकानदार जो है वो कोरोना बांट रहा हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियां ऐसे कर रहे हैं कि रैलियां ना करके वैक्सीन बांट रहे हो। तो भैया चुनावी रैली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर व्यापारी दुकान खोल ले तो इनको बड़ी दिक्कत है। और आप ये समझिए कि दसवीं की परीक्षा टल गई, बारहवीं की परीक्षा टल गई, ना पढ़ेगा इंडिया और ना बढ़ेगा इंडिया, समझ रहे हैं? और सिर्फ सिर्फ कुंभ नहाएगा इंडिया और चुनाव लड़ेगा इंडिया, यही काम है बस देश की जनता का। प्रधानमंत्री मोदी जी एक और कहते हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि मेरी रैली में भारी भीड़ थी। तो आप ये बताइए ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कोरोना नहीं है? ये कोरोना देश की आम जनता के लिए है। और कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बंदा जीवित है लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, वो ऊपर से चिल्ला रहा है कि मैं जिंदा हूं और उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। तो आखिर देश में क्या चल रहा है कि स्वास्थ्य के नाम पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए, जो इतनी सारी किडनी लीवर्स जो इनका एक धंधा चल रहा है, इनके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? ये बताइए ना आप मुझे। एक बात मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी कुछ बेच रहे हैं, एक काम करिए, अब आप शमशान घाट और कब्रिस्तान ये भी ना अंबानी और अडानी के हाथ में कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता वहीं जा रही है, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा जनता शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर है लाइन लगाकर, तो वो भी बेच दीजिए ना। सभी कुछ तो आपने बेच ही दिया, तो वो भी बेचिए, क्यों नहीं बेच रहे हैं आप? उसी के बाहर भीड़ लगवा दिया आपने देश की जनता की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता मरे या जिए, वो कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी इनको सिर्फ कुर्सी का लालच है, कुर्सी मिल जाए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सुद्दीन ओवैसी हो, चाहे तमाम तरीके के लोग मायावती हो, तमाम विपक्ष के लोग अपनी रैलियों को बंद कर सकते हैं सिवाय देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको एक और तो कोरोना का यहाँ पर चल रहा है, और आप ये देखिए ना लॉकडाउन किनके लिए लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है। लॉकडाउन उनके लिए लगाया जा रहा है जिनके पास एक टाइम की रोटी का अता पता नहीं है, और लॉकडाउन वो लगा रहे हैं जिन्हों के पास करोड़ों रुपया है, खरबों रुपया है। आज देश का जो हालत है वो पूरा देश देख रहा है। कोरोना के चलते आज लाखों लोगों की जान जाती जा रही है, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, बेहतर सुविधा नहीं मिलनी, लेकिन देश के प्रचार प्रधानमंत्री जगह जगह प्रचार करने में मशहूर हैं, उनको प्रचार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये सब दिन याद रखे जाएंगे कि जब देश की जनता की चिताएं जल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां चल रही थी। ये पूरा देश याद रखेगा कि इससे बड़ा विकास क्या होगा कि जनाब ने नोटबंदी की लाइन के चलते शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगवा दी। इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या है इस देश के अंदर? आज देश की जनता त्रस्त है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मस्त हैं। उनको तो सिर्फ चुनाव करने से फुर्सत नहीं है, वो तो प्रचार करने में व्यस्त हैं अपना। क्या प्रचार देश की जनता से बढ़कर हो गया क्या? बताइए आप मुझे, चुनाव आयोग क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक्शन नहीं लेता? आज कोरोना के चलते सब जगह प्रचार बंद है, सब जगह साए बड़े बड़े लीडर्स हो सबने मना कर दिया है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। अभी आपने देखा सैटरडे संडे दो दिन दिल्ली बंद रही, इसके चलते लोगों के मुंह पे दोबारा मास्क आ चुका है, ठीक है, देश के अंदर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो हालत है वो किसी से छिप नहीं रही है, जिस तरीके से इंजेक्शंस की कालाबाजारी चल रही है वो भी लोगों से छिप नहीं रही है। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी, एक बात आप मुझे बताइए, आपने भी मुंह पे मास्क लगा रखा है कि अगर हम मुंह पे मास्क ना लगाएं तो हमारे ऊपर 500 और 1000 रुपए का चलान हो जाता है, लेकिन अगर सरकार अस्पताल में बेड मुहैया ना करा पाए, अगर सरकार डॉक्टर मुहैया ना करा पाए तो सरकार के ऊपर कितने रुपए का जुर्माना? हमने मास्क नहीं लगाया तो 500 से 1000 का चलान ठीक है, लेकिन अगर सरकार अस्पताल में सुविधा मुहैया नहीं करा पाई तो उसपे कितने का चलान? तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।